हेलो दोस्तों, अगर आपके पास भी ओप्पो का स्मार्टफोन है और उसमें भी इसी तरीके का लॉक लग गया है जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो बिल्कुल सही वीडियो को आपने प्ले किया है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है रवि वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माई डिश। दोस्तों, अक्सर आप लोगों के साथ ऐसा होता हो कि आपके स्मार्टफोन का जो पासवर्ड है, चाहे वो पिन हो, पैटर्न हो, ये नंबर डिजिट वाला हो, आपसे कभी ना कभी मिसिंग हो जाता हो, या तो फिर आपके घर में जो बच्चे होंगे वो गलती से इसको लॉक लगा देते हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि कैसे इस चीज़ का सोल्यूशन किया जाए और आप अपने ओप्पो के स्मार्टफोन को किस तरीके से अनलॉक कर सकते हैं बड़े ही आसानी से घर बैठे। आपको किसी को भी एक रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल फ्री में ये हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने ओप्पो के स्मार्टफोन को अनलॉक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे आपके पास कोई भी ओप्पो का स्मार्टफोन हो, इस ट्रिक से आप सभी ओप्पो के स्मार्टफोन को बिल्कुल फ्री में अनलॉक कर पाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ भी किसी को भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री है। लेकिन इससे पहले आपको करना ये होगा कि सबसे पहला स्टेप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लेना होगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम नए नए वीडियो अपलोड करें आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे स्मार्टफोन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटर पासवर्ड का मैसेज आ रहा है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इंटर द पासवर्ड का मैसेज आ रहा है। बहुत बार हम लोग के साथ ऐसा होता है कि जब भी हम यहाँ बहुत बार ज़्यादा रिट्राई करते हैं तो सेकंड का ऑप्शन अनेबल हो जाता है। बहुत सारे लोगों का 72 घंटे के लॉक हो जाता है, किसी का 1000 सेकंड, 1200 सेकंड, ऐसे ये टाइमर कंटिन्यू जो है बढ़ते रहता है। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर पाएंगे और आपका कोई डेटा भी यहाँ पे लॉस नहीं होने वाला है। मीन्स कि अगर आप इस ट्रिक को करते हैं तो आपका कोई भी डेटा यहाँ पे नहीं जाने वाला है, चाहे वो फोटोग्राफ्स हो, पिक्चर्स हो, कुछ भी हो, आपका कोई डेटा डिलीट नहीं होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पूरी बात को मेरी सुनिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप कर लेते हैं तो आपका स्मार्टफोन अनलॉक नहीं होगा। जैसे कि आपने अपने स्मार्टफोन में जो प्राइमरी सिम है, मतलब कि जो सिम आप कंटिन्यू यूज कर रहे हैं, अगर उसको कोई बंदा निकाल देता है तो फिर ये ट्रिक किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि जिस स्मार्टफोन का जो सिम होना चाहिए उसी से वो जो है एक तरीके से पिन होता है, मतलब कि वो टैग होता है, जुड़ा होता है और उसी के थ्रू वो लिंक होता है। तो आपका पासवर्ड, पिन, पैटर्न भी बहुत बार जब आप ट्राई करते हो नहीं होता है तो बहुत लोग उसको सारे चीज़ को निकाल देते हैं, चाहे वो मेमोरी कार्ड हो, चाहे वो आपके स्मार्टफोन के सिम ही क्यों ना हो। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। जिन लोगों ने अगर ऐसी गलती कर दी है आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि आप लोगों ने सिम निकाल लिया है तो उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो मैं बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। और जैसे ही कमेंट मैं देखूंगा कि बहुत सारे कमेंट हो गए तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हमें, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इस तरीके का मैसेज आ रहा है, हमें यहाँ पे इमरजेंसी कॉल में चले जाना है और मैं आपको 2 डिजिट यहाँ पे बताने वाला हूँ। इस 2 डिजिट से सबसे पहला काम होगा हमारे ओप्पो के स्मार्टफोन का FRP अनलॉक करना होगा। FRP अनलॉक करने के लिए एक PC की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब आपके पास कोई PC ना हो तो आपको कोड के थ्रू इसको अनलॉक करना होता है, है ना। तो देखिए, कोड जो है हर मंथ चेंज होता है, तो फिलहाल यहाँ पे मार्च के महीने का कोड जो है रिलीज हो गया है और ये कोड आप लिख लो। ये कोड यहाँ पे मैं देखिए आपको, मैं यहाँ पे कोड इंटर कर देता हूँ, ये कोड आप देख लीजिए, ये मार्च के महीने का कोड है। और मैं आपको बता दूँ कि लास्ट जो एंड ऑफ द मंथ होता है तो उसके बाद एक नया कोड ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है और ये हर कंपनी करती है, इसको पब्लिकली नहीं किया जाता है क्योंकि ऐसा पब्लिकली करने से बहुत दिक्कत हो जाती है। तो फिलहाल ये कोड आप नोट डाउन कर लीजिए, ये कोड आपको यहाँ पे अपने डायलर पैड पे इसी तरीके से रखना है और इसको 5 बार कम से कम इस तरीके से कॉल करना है। काउंट डाउन चालू रखिएगा, ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कम नहीं होना चाहिए। इससे आपका FRP जो है अनलॉक हो गया है। FRP वर्ड अगर जो लोग नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक टेक्निकल वर्ड है जो कि मोबाइल में यूज होता है।
अब इस सारे नंबर को यहाँ पे हम इरेज कर देंगे, और सारे नंबर इरेज करने के बाद यहाँ पे हम एक और कोड डालना है, स्टार हैज 8998996 हैज। देख लीजिए ये कोड, थोड़ा आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं थोड़ी जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये कोड आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही फ़ायदेमंद कोड है। अब इस कोड को आपको सिर्फ एक बार अपने फ़ोन से कॉल करना है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक बार इस तरीके से, और इसको ओके कर देना है। अब आपका जितने भी हिडन कमांड्स थे, कोड थे, सबका काम यहाँ पे अब हो गया है। अब देखिए इन सभी को यहाँ से इस तरीके से हमने हटा दिया। अब स्टार हैज 899 और उसके बाद हैज, ये यहाँ पे आपको इंटर करना है। और इसको इंटर करने के साथ ही साथ आप एक पेज पे चले जाते हैं, जिसको यहाँ पे इंजीनियर मोड के नाम से जाना जाता है। इस मोड के थ्रू आप अपने स्मार्टफोन को बहुत ही इजी वे से रन कर सकते हैं, स्मूथली कर सकते हैं। कोई पार्ट्स को आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि जिस पार्ट्स में प्रॉब्लम है या नहीं है। तो फ़िलहाल हमें उतनी जानकारी नहीं चाहिए, फ़िलहाल हमें अनलॉकिंग से रिलेटेड जानना है कि इसको अनलॉकिंग कैसे किया जाए। ओके, यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर वर्जन एनवी पैरामीटर में आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे लास्ट से तीसरे नंबर पे है एनवी पैरामीटर, है ना। एनवी पैरामीटर पे आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से टैप करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं टैप कर रहा हूँ। तो 8 से 10 बार टैप कीजिएगा, और टैप करने के साथ ही साथ आप ये भी देखिएगा कि जब भी आप टैप कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे आपका वाइट कलर का लाइनिंग ग्लो कर रहा है, ये देख रहे हैं ना इस तरीके से। अब इसके बाद आपको यहाँ पे करना ये है कि आपको चले जाना है यहाँ पे मैनुअल टेस्ट वाले ऑप्शन पे। मैनुअल टेस्ट वाले ऑप्शन पे जब आप आइएगा तो इस तरीके से सारे ऑप्शन को इस तरीके से स्क्रॉल करके सबसे लास्ट वाले पेज पे आपको चले जाना है। लास्ट वाला पेज जो है अदर्स का है, अदर्स में आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो कि है रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर। तो इस पे हमने कुछ इस तरीके से क्लिक किया। क्लिक करने के साथ ही साथ यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे पास हो गया है, और पास होने के साथ ही साथ आपको इस तरीके से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के साथ ही साथ आप यहाँ पे मेन बोर्ड वर्जन देख सकते हैं। अगर आपके स्मार्टफोन का मेन बोर्ड वर्जन 1.1 है या फिर यहाँ पे डेटाबेस वर्जन है तो कोई भी इससे कोई इशू नहीं है। जो भी हो यहाँ पे आपको इस तरीके से टैप करना है 8 से 10 बार। जब आप इस तरीके से टैप कर लें तो आपको इसको टैप करने के तुरंत बाद ही ऊपर में जो की स्टेटस है उस पर आपको कुछ इस तरीके से क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने इस ऑप्शन पे क्लिक किया आपके सामने यहाँ पे पेज आ जाएगा इस तरीके का, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये ऑप्शन जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस ऑप्शन में आपको सभी ऑप्शन पास दिख रहे हैं। तो जो भी पास हो गया उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आपको क्या करना है कि इस ऑप्शन में आपको नीचे से इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। तो जैसे ही आप नीचे से ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे आपका स्मार्टफोन अनलॉक हो चुका होगा, आपको यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे नीचे से ऊपर इस तरीके से स्क्रॉल करते हैं, और स्क्रॉल करने के साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि आपका स्मार्टफोन यहाँ पे अनलॉक हो गया है। आपका कोई भी डेटा, कोई भी ऐप जो है यहाँ पे रिमूव नहीं हुआ है, और ना ही किसी भी डेटा से छेड़छाड़ किया गया है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से हमने ओप्पो के इस स्मार्टफोन को अनलॉक किया बहुत ही ईजी वे से। दोस्तों जाते जाते आप लोगों से मैं कमेंट में ये पूछना चाहूँगा, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप किस स्टेट से, किस ज़िला से इस वीडियो को देख रहे हैं। और अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें अगर अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो हमारे इंस्टाग्राम का आईडी है माइंडिस, वहाँ जाके फॉलो कीजिए, आप हमसे ऑनलाइन चैट के थ्रू बात कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।